सब्सक्राइब कीजिए टेक्नीशियन राहुल चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेक्नीशियन राहुल। तो दोस्तों आज की वीडियो में लेके आया एक जाइंट बैटल, बहुत बड़ी बैटल लेके आया Xiaomi Redmi Y1 वर्सेस बिलियन कैचर प्लस वर्सेस इन्फिनिक्स 05 प्रो सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो के बीच में। दोस्तों ये चारों ही फोन बहुत बेस्ट हैं। तो अभी इन्फिनिक्स 05 प्रो तो आना है, पर तब भी मैं उनके स्पेसिफिकेशंस का रिव्यू लेके आ गया हूँ, पूरा रिव्यू और साथ में क्या कहते हैं उनका कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। अगर आपको देखना है इन्फिनिक्स 05 प्रो का तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे ये होगा कि मेरी चैनल के पब्लिकेशन की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर रैंकिंग की बात करें तो Xiaomi Y1 तो बहुत पीछे रह गया, फोर्थ नंबर पर रह गया। फर्स्ट पे इन्फिनिक्स 05 प्रो आ जाता है, सेकंड में बिलियन कैप्चर प्लस, और ये रेडमी Y1 तो सैमसंग से भी गया गुजरा फोन माना जा रहा है। वैसे अच्छा फोन है, मैं किसी की बुराई करूं, पर स्पेसिफिकेशन स्कोर की बात करें तो 88 मिल जाता है इन्फिनिक्स नोट 4 को, इन्फिनिक्स 05 प्रो को, और वहीं बिलियन कैप्चर प्लस को मिलता है 80, वहीं 79 के साथ सैमसंग गैलेक्सी J7 भी लड़ाई में शामिल है, और Xiaomi Redmi Y1 4GB भी इसमें शामिल है 73 अंक के साथ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तीनों ही नोगट है, पर बिलियन कैप्चर में 7.1.2 नोगट मिलता है, जिसमें ये बेस्ट माना जा रहा है। और चलिए आगे एडवांटेज बताते हैं कि इन्फिनिक्स 05 प्रो क्यों लेते हैं दोस्त। तो कि लेने का फ़ायदा उसका ये है, फास्टर CPU मिल जाता है 2.6 GHz का, और वही मोर रैम मिल जाता है 6GB रैम, मतलब अराउंड 50% मोर रैम देन Xiaomi Redmi Y1, मतलब 6GB रैम, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते 6GB आपको दे रहा है इन्फिनिक्स 05 प्रो। बिगर स्क्रीन की बात करें 5.98 इंच की इसमें बिगर स्क्रीन मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी है, बड़ी है साइज में, और मोर स्टोरेज कैपेसिटी इनका डबल ही मिल जाता है 128GB इनबिल्ट स्टोरेज, बिगर बैटरी मिल जाती है, ये भी बहुत अच्छा बात है। वहीं और बाकी सब में तो 3000 तक की लाइन में है। मोर रीजन की बात करते हैं, रेजोल्यूशंस भी अच्छे मिल जाते हैं और ड्यूल कैमरा मिल जाता है। तो अब बढ़ते बाकियों की तरफ। बिलियन कैप्चर की बात करें तो बिलियन कैप्चर में आपको ये मिल जाएगा, रेजोल्यूशंस अच्छे मिल जाएंगे, मतलब सैमसंग और इन्फिनिक्स के बराबर ही होंगे, पर उससे बेटर होंगे Xiaomi Y1 से। और ड्यूल कैमरा इसमें भी सपोर्ट करता है इन्फिनिक्स 05 प्रो की तरह, और FM रेडियो भी सपोर्ट करता है सैमसंग J7 प्रो की तरह। सैमसंग गैलेक्सी लेने का फ़ायदा ये है कि उसमें फ्रंट फ्लैश मिल जाते हैं, NFC मिल जाती है, NFC का मतलब ये है कि आप डिवाइस के थ्रू आप कोई भी वायरलेस पेमेंट कर सकते हैं। और मोर रीजन की बात करते हुए इसमें रेजोल्यूशन Redmi Y1 से अच्छा है, और सुपर सपोर्ट FM रेडियो मिल जाता है इसमें दोस्तों अगर बात करें तो लाइट वेट की, तो सबसे ज़्यादा लाइट वेट इसी का यही एक कारण है जो Xiaomi को आगे जिता देता है। सपोर्ट FM रेडियो में जीत जाता है, क्योंकि इन्फिनिक्स 05 प्रो में आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें एक में ये भी दो पॉइंट्स तो इसको भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा रिव्यू, पूरा कंपैरिजन, चार फोनों के बीच में जाइंट बैटल नहीं समाप्त होती है। Xiaomi Redmi Y1 बिलियन कैप्चर प्लस, इन्फिनिक्स 05 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो। तो दोस्तों अगर बात करें इन पूरे फोन की तो बैटल तो इन्फिनिक्स 05 प्रो जीत जाता है, पर इन तीनों में चारों में से बजट देखें तो आप अगर 13000 तक का लगाते हैं तो आपको बिलियन कैप्चर प्लस बहुत बढ़िया फोन मिल जाएगा। बस उसमें इन्फिनिक्स नोट 04 से ये कम, 05 प्रो से यही कम है कि उसमें शायद प्रोसेसर थोड़ा सा कम है, 2 GHz का उस पर प्रोसेसर है, और थोड़ी स्टोरेज आपको कम मिल जाती है 64GB, बाकी सब तो सेम है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा कर दीजिए कमेंट, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।